चीज आप लोगों को और थोड़ा बोलना जरूरी है वो मुझे मिल जाता है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे कल। और एक चीज और है, जैसे पेनानिंग, अभी देखिए पेनानिंग हम लोग के जमाने में कोकुइल नीब मिला करता था जिसमें इंक में डुबो करके हम लोग काम करते थे, तो अभी फाउंटेन पेन से पेन भी अवेलेबल उतना नहीं है, तो आप लोग हाईटेक पॉइंट या तो मार्कर जो मिलता है ना पतला वाला, उससे भी आप लोग पेनानिंग का काम कर सकते हैं। और रंगोली वगैरह बनाना वो लोग तो आप लोग तो करते ही रहते हैं, मेहंदी वगैरह का डिजाइन जैसे नहीं बनाते हैं, तो उस तरह का काम भी आप लोग कर सकते हैं। मेरा मतलब है जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो हर तरह का मीडियम में आप निकालने का कोशिश कीजिए, टॉपिक कहीं बंधा हुआ नहीं है, ठीक है? टॉपिक आप खुद चॉइस कीजिए, मीडियम आप लीजिए, उसमें से जो तो हाँ, तो उसमें और एक चीज है क्राफ्ट का इसमें जैसे जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप लोग देखिए जैसे वो जो फेंका हुआ चीज से शायद डीएलएड में ये चीज है जैसे, हाँ जी, जो काम में नहीं आता वो सब चीजों को देख करके आप कोई गुलदान बनाइए, या तो आप पेन स्टैंड बनाइए, मोबाइल स्टैंड बनाइए, लेटर होल्डर बनाइए, वो सब अपना अपना आइडिया है। मुझे तो लगता है ये सब आइडिया हम क्या देंगे, ये सब आइडिया आप लोगों के दिमाग में और ज्यादा आता होगा। और एक चीज मेरा डिमांड है कि आप लोग खाली जो भी बनेगा ना खुद से बनाइएगा, मेरा हाँ ये एक प्रायोरिटी हम देते चलते हैं। मेरे हाथ से जो लोगों से बनवाते हैं उनसे ज्यादा नंबर उसी को हम देते हैं जो खुद से कोशिश किया होता है, ठीक है? क्योंकि वो अपना जो है ना अपना क्रिएटिविटी 100% देने का उसमें कोशिश किया हुआ रहता है। तो इसको आप लोग करके जो देखिए ना उसमें आपका बने टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बने देखिएगा एक अलग सा आनंद मिलेगा इससे, ठीक है? तो उसको आप लोग उसी तरह कीजिएगा। और बीच में भी कोई भी दिक्कत होगा आप लोग तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, जैसे अभी तो अवेलेबल हो गया मेरा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सएप में आप मैसेज करके आप रख दीजिएगा। मैं एक एक समय जैसे मैं क्लासेस के बीच बीच में उसको मैं देखते रहती हूँ, आंसर देते रहती हूँ, हो ना हो एक दिन लेट हो गया, हो सकता है मेरा फिसल गया हाथ से, लेकिन अगर दो दिन देखिएगा जवाब नहीं आया तो एक बार और नॉक कीजिएगा, मैम हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह करके आप लोग थोड़ा थोड़ा दिखा लीजिएगा। 50 नंबर का ये है, लेकिन एटलीस्ट आप 10 अच्छा काम उसमें रखने का कोशिश, जो आमतौर पर हम लोग घर में करते ही रहते हैं। देखिए हम लोग का बहुत सारा 24 घंटा में काम है, मगर उसके बीच भी जो फुर्सत का समय देखिएगा कुछ ना कुछ क्रिएटिव हम लोग करते रहते हैं, तो उसी को तो उस पेपर में जैसे सर ने साइज दे दिया है उस हिसाब से। अभी तो देखिए कॉलेज आप लोग कब जाइएगा लीजिएगा, काम तो चलता रहे ना, और सामने वाला पेज जो है आप लोग जो श्लोक हमने पहला दिन जो श्लोक आप लोगों को सिखाया वो उसको जो है उसको आप लिखिएगा, उसका जितना सुंदर से हो सके उसको प्रेजेंट कीजिए, उसका व्याख्या एक एक दो पेज में जितना आपसे बन पड़े उतना लिखिए, फिर उसके बाद आप ड्राइंग से स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे ही तो आपका देखिए 10 अगर ड्राइंग है तो आपका 14 पन्ना ऐसे ही भर जाएगा, ठीक है? एक हरा भरा सा सुंदर सा कॉपी, उसका कवर पेज भी सर से डिस्कस कर लीजिएगा कि ग्रिजरी का नाम कैसे देना है, आपका कोर्स का आपका रोल नंबर कैसे लिखना है, वो सर थोड़ा सा बता देंगे आप लोगों को। उस तरह सुंदर फार्निश्ड एक तो कॉपी रखिए, काम बहुत सुंदर ना हो, प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छा हो तो ये तो आपके पास आपका हाथ का नंबर है ना, ये तो आपको मिल ही जाएगा एकदम, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन सही है, क्योंकि मैं इंटरनल होने के बावजूद थोड़ा ये सब मामले में वही जो पहला दिन नहीं दूसरे दिन शायद बोल रही थी खड़ूस टीचर, थोड़ा सा मैंने इस मामले में मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि खुद का काम हो खुद का क्रिएटिविटी हो उसको मैं प्रायोरिटी देती हूँ, ठीक है? अभी अभी हमने दो पिक्चर आपके व्हाट्सएप पे भेजा है मैम, अभी जो मैंने अपने खुद से बनाया है अभी। यस मैम, अभी जस्ट मेरे को टाइम नहीं मिला था इसलिए रात में नहीं भेजी, अभी सुबह भेजी जस्ट। अच्छा सुनिए ना, एक आप देख लीजिए मैम जी, सुनिए ना हम देख जरूर लेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए कल का दिन भी है तो अभी आप भेजे है ना, तो कल का स्लाइड भी वो जरूर आपको मिलेगा, ठीक है? तो जो भी होगा आज व्हाट्सएप में मैं आफ्टर क्लासेस उसको मैं कुछ कुछ लिख दूंगी और फिर आपको जो है हमको कल रात तक भेजे है ना उनको हम स्लाइड में डाले हैं आज, तो उसी पर आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू।
कुछ क्वेश्चन ले लें क्या मैम? हाँ हाँ बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, आज इंटरेक्शन ही ज्यादा करना है जी। अच्छा ओके, जो भी आप अपनी बात है जो ज्योति सिंह आप हमारी आवाज सुन रही हैं? ज्योति सिंह आप अपनी गुड मॉर्निंग ज्योति। हाँ सर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलिए। मेरे जितने प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं अभी, अब तुरंत सारे प्रॉब्लम्स आपने डिस्कस कर ही लिया। बस एक अच्छा क्वेश्चन था मैम कि जी कल परसों अपूर्वा बोल रही थी कि बहुत सारे फोक पेंटिंग्स है, तो क्या आप क्या मैं उसको भी इंक्लूड कर सकती हूँ, मतलब जो ये जो प्रोजेक्ट बनेगा? फिर से थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा बीच में कटा, फिर से एक बार बोलिए मैम जैसे अपूर्वा सरकार परसों जी। आपको बोल रही हाँ थी कि बहुत सारे हाँ फोक पेंटिंग्स होते हैं, क्या प्रोजेक्ट बन रहा है तो हम लोग उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे? जरूर दे सकती हैं, जरूर दे सकती हैं। आपको एक बात मैं बोल दूं, क्लियर कर दूं, एक समय सेंट्रल का जो स्कूल होता मतलब है सेंट्रल से एफिलिएटेड स्कूल या सेंट्रल का डायरेक्ट स्कूल, वो सब में एक प्रोजेक्ट आया था, सेंट्रल का अपना प्रोजेक्ट था कि उसमें आर्टिजन्स को लिया जा रहा था, आर्टिस्ट को नहीं, आर्टिजन्स को खोजा जा रहा था जो कि ये सब फोक ड्राइंग वगैरह करते हैं, भारत का संस्कृति से बच्चों को परिचित करने के लिए खास करके ये प्रोजेक्ट लिया गया था। ठीक है, जहां आर्टिजन्स मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो जो आर्टिस्ट इस सब के बारे में जानते हैं या तो रुचि रखते हैं उन लोगों को लिया गया था। उसी के तहत मैं केंद्रीय विद्यालय में 2 साल करीब मैं इसी सिलसिले में काम की थी एज एक्सपर्ट, मतलब एज एम्प्लॉय नहीं, एज एक्सपर्ट हम हायर किए गए थे हम। तो उसमें बेसिकली वहां मिथिला पेंटिंग बनाने वाले कोई मिले नहीं उस रीजियन में, और जो भी उन लोगों का मतलब ये था रेमुनरेशन वगैरह था उसमें वो लोग नहीं आए थे, तो हम उसमें काम किए थे। तो उसमें देखिए, उसमें सेंट्रल का प्रोजेक्ट में अगर सिर्फ एक फोक फॉर्म के लिए कितना खर्चा किया गया, 2 साल तक वो प्रोजेक्ट रहा, ठीक है, तो उसमें मधुबनी आर्ट का प्रायोरिटी था। तो आप लोग देखिए, खास करके आप लोग झारखंड के हैं तो झारखंड का फोक, या तो कोई बंगाल के होंगे, कोई उड़ीसा के अगर होंगे, तो वो लोग अपना अपना फोक फॉर्म को अगर थोड़ा बहुत डिपिक्ट करते हैं, मुझे लगता है वो कॉपी ज्यादा एनरिच्ड होता है। बहुत अच्छा अच्छा ड्राइंग कहीं से देख देख के आप किए, उससे बेहतर खुद का क्रिएशन और फोक फॉर्म अगर आप ला करके उसमें डालते हैं तो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ कॉपी बनेगा आई थिंक। और जरूर डालिए, अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवमणि कुमारी, शिवमणि आप अपना क्वेश्चन रखिए। शिवमणि आप अपना क्वेश्चन रखिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वो मैं बोल रही थी सर कि जैसे कि जो साइज में हम पेज में हम बनाएंगे तो वो तो असाइनमेंट कॉपी आप देंगे उसमें अरेंज करेंगे ना सर? मैं थोड़ी देर एक हेलो छोटा सा मैं ये चाह रही हूँ, एक मिनट एक मिनट। हेलो सर, बोल रहे हैं ना कि जो जो हम लोग बनाएंगे ड्राइंग या कॉलेज, तो वो जो आप असाइनमेंट कॉपी देंगे कॉलेज से उसमें ना अरेंज करेंगे? हाँ अरेंज उसमें कर लीजिएगा, पेपर जो है उसी साइज का बना करके तब तक आप प्रिपेयर करिए, यदि मौका मिलता है तो आप यहाँ आकर के कॉपी ले भी सकती है ना, ताकि क्योंकि साइज इसीलिए बता दिया गया, यदि आप घर में दूसरे पेपर में बनाएंगे या वो बड़ा हो जाएगा मे बी उसमें फिट नहीं आ पाए, इसीलिए मैडम ने कहा था कि आप साइज भी सर बता दीजिएगा, तो मैंने उस चीज को बता दिया ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं और साइज का ध्यान रखें। ओके सर। विनीता मैम जी जी सर बोल रही थी मैम से एक जैसे कि सोराय वाला जो
पेंटिंग है वो हम लोग उस टाइप का बना सकते हैं ना मैम? जरूर बना सकती हैं, बनाइए, बल्कि आप लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि झारखंड का अपना फोक फॉर्म है। और ये भी मैं बता दूं, ये फोक फॉर्म का चर्चा जो लोग करते हैं, आप लोग कभी सुने होंगे, झारखंड में जो लोग भी रहते हैं, शोहरा एक पर्व होता है, इसके बारे में सुने हैं? हाँ, डांस वगैरह भी होता है उसमें, फोक डांस वगैरह। अच्छा, इसमें सोचिए, ये एक ऐसा फॉर्म था जैसे देखिए, झारखंड और ये बिहार तो एक ही स्टेट हुआ करता था पहले, कोहबार जैसे बनता है ना, उसी तरह शोहराय में भी, शोहराय पेंटिंग का जो ये है उसका भी एक कोहबार है, कोहबार का उन लोगों का टॉपिक अलग होता है। और जैसे मधुबनी में भी शोहराय है जो कि पतला लाइन और डबल लाइन से बनता है, जरा सा अंतर है उसमें खाली, ठीक है जी। मधुबनी में बनेगा पतला लाइन और डबल लाइन, और शोहराय मोटा स्पॉन्टेनियस लाइन में बनता है, जरा सा अंतर है। यही चीज ओडिशा जाइए ना तो वही चीज बनेगा, थोड़ा सा फिगरेटिव। और इसमें देखिएगा जीव जंतु से, असल में मैं थोड़ा सा ब्रेक ली थी, मैं बता दू, मैंने ये मजाक वाली चीज है, मेरे घर में एक सांप घुस गया था, उसको भगाने गई थी मैं। हम शोहराय पेंटिंग में सांप वगैरह बनाते हैं तो वो शायद उसी में आ गया था वो फॉर्म के तहत। तो हुआ क्या, उसमें जैसे कि जीव जंतु को, जैसे सांप हो गया, मोर हो गया, ये सब जो है वो सब इंक्लूड करते हैं शोहराय में वो लोग। आप मधुबनी में जाइए, उसमें भी देखिए फिश है, कछुआ है, फिर तरह तरह का जीव जंतु का, जो कोहबार में जैसे बहुत जो लोग को एनरिच माने प्रोडक्टिव और एनरिच माना जाता है, और स्लो बट स्टेडी, ज्ञानी, ज्ञाता, ये सब जो जंतु है वो सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक उसी तरह आपका शोहराय पेंटिंग में जीव जंतु को पूजा करने के लिए और उन लोगों का वेल बीइंग के लिए ये पूजा होता है शोहराय बेसिकली। आज क्या हुआ, शोहराय पेंटिंग पहले पेंटिंग बना करके फिर जानवरों को पूजा करके फिर वो नृत्य और ये सब गीत होता था, ठीक है। तो अब क्या है जी, बहुत कट रहा है फिर से शिव मनी, आपकी नेटवर्किंग समस्या प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आती है, कट कट के आ रही है शिव मनी, आपका नेटवर्क बहुत मेरा वीक चल रहा है। नहीं नहीं, हो ही सकता है उसे नेटवर्क बहुत, जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी में रहेंगे तो डिस्कनेक्ट होके फिर से चालू हो जाए, पता नहीं दो तीन दिन से बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। हाँ, आज भी बादल भी छा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा थोड़ा। अच्छा नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं कुछ बोल रही थी कि आपको, हेलो हेलो, हाँ, तो इसमें जैसे ये पेंटिंग इतना चर्चा में था पहले, लोग बनाते थे और पैसा भी उन लोगों को मिलता था, जैसे उसको बनाते थे जो लोग बनाते थे उन लोगों को कुछ कुछ पैसा भी मिलता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जो लोग इस चित्र को बनाते हैं ना उन लोगों का रोजी रोटी का समस्या होने लगा, क्योंकि लोग इसके लिए खर्चा करना बंद कर दिए, नृत्य गीत होने लगा, लेकिन पेंटिंग को बुला करके बनवाना और फिर उसका कुछ जिसको रेमुनरेशन कहते हैं वो देना, वो बंद हो गया। बेसिकली ये लोग बहुत खराब स्थिति में आजकल रहते हैं। सच पूछिए कि मधुबनी आर्ट का जितना प्रचार और प्रसार हुआ है, शोहराय को उतना प्रचार प्रसार मिला नहीं। एक्सप्लॉइटेड जरूर हुआ है शोहराय पेंटिंग, मतलब जो लोग शोहराय को थोड़ा सा पृष्ठपोषकता करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा ये देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, थोड़ा सा उसके लिए सोचते हैं, वो लोग भी एक्सप्लॉइट करते हैं इन पेंटर्स को। तो इसको आगे लाने के लिए मुझे लगता है हम लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि जहां का माने जहां के हम लोग रहने वाले हैं, कम से कम झारखंड के, झारखंड का अपना जो फोक लिपना कला हो गया, शोहराय कला हो गया, ये सब जो है इस पर आधारित काम हम लोग सब कोई थोड़ा थोड़ा करे, ताकि ये रुचि बना रहे और आगे की पीढ़ी को हम लोग सिखा भी सके, दिखा भी सके। कीजिएगा जरूर, चलिए जी। और कोई है सर? हेलो हेलो,
हेलो मैं चाहता हूँ कि अपना सर और कोई है जी? अच्छा स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक झा सर आपको एक रिक्वेस्ट आज करूंगी, जैसे मैं आज जो स्लाइड बना के लाई हूँ उसमें मैं जिसका काम दिखाऊंगी, मैं नाम शायद सबका आया नहीं या अगर इंक्लूडेड नहीं है तो जिसका काम होगा वो हैंड रेज करने से उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन मेरा सहज होगा। जी 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 मैं ओके सर क्योंकि आज का स्लाइड मैं इसी में सबको इंक्लूड कर रही हूँ ताकि मेरे पास ना एक डॉक्यूमेंटेशन हो जा रहा है कि किस तरह लोग काम करके जमा कर रहे हैं। चलिए अच्छा ये हो गया। हाँ ये मेरा कल का। चलिए हाँ ये इनका काम है, ज्योति शायद नाम था इनका ना। स्लाइड जो है दिख नहीं रहा है। नहीं इसका नाम तो नहीं दिख रहा है मगर शायद अपना काम जो है वो पहचान लें और हैंड रेस करने से इसको शेयर करिए, जो भी होंगे वो हाथ रेस कर दीजिएगा। हाँ एक मिनट मैं शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। नहीं आ रहा ना? नहीं अभी तो नहीं आ रहा है, इसके पहले जो आपने किया था वो हाँ अब आया, अब आया। अच्छा रुकिए ये मेरा ये हाँ चलिए ये दुर्गा जी का फेस दिख रहा है ना सर? जी हाँ दिख रहा है। हाँ किनका काम है? काइंडली आप हाथ रेज कर लीजिए, पूजा का लगता है बना, पूजा ने हाथ उठाया है। पूजा अच्छा अच्छा पूजा हाँ उनको अनम्यूट कर दीजिए। पूजा आप अनम्यूट हो गई हैं, आप ही ने बताया है ये? यस सर। अच्छा पूजा जी ठीक है ओके ओके मैं इसके बारे में बोलूंगी, असल में हो सकता है मैं आपको कुछ पूछूं तो इसलिए आपको अनम्यूट किया गया। तो अच्छा पहले तो आप ये बताइए ये जो डेकोरेशन आपने किया है जो हम लोग का वो शोला का बनता है ऐसा ही जो व्हाइट व्हाइट वाला, तो इसको क्या पेपर यूज की है आप? हेलो मैम वो कूट रहता है ना कपड़ा वाला जो हल्का हल्का जो कपड़ा में जो कूट जाता है। वेरी गुड अच्छा अच्छा उसको यूज हाँ चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा। और आपका ये डेकोरेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है और सच पूछिए कलर कॉम्बिनेशन हमको कुछ बोलना ही नहीं है, बहुत ही प्रासंगिक और सुंदर हुआ है। आप थोड़ा सा जो है जो फेस को जब आगे से कभी बनाइएगा, हालांकि ये एक फाइनल ड्राइंग के रूप में आप जमा कर सकती हैं ठीक है, हम माने इसके आगे आप जब बनाइएगा ठीक है उसका उसका बेटरमेंट के लिए कुछ मैं कह देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो आंख वगैरह बनाई है ना तो इसको भी आप कोशिश कीजिए कि पेपर कट करके बनाने का ठीक है। हाँ पेपर कट करके आप इसको बनाते हैं, उसको पहले पेपर में आप बना लो फिर उसके बाद उसको कटिंग करके फिर उसको आप इसमें चिपका देते। और लिप्स एक चीज आप ध्यान दीजिएगा जब फेस को कटिंग कीजिएगा ना तो जैसे एक पेपर को फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए ठीक है, फोल्ड करके उसमें अर्धचंद्र बनाइए और फिर उसको काटिए ठीक है, तो आपके पास एक मिलेगा ओवल शेप का एक कटिंग, ओवल शेप का ही कटिंग में फेस को आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि हमारे हर इंसान का ताहे कि किसी का मुंह लगता है गोल है किसी का लंबा
किसी का चौकुट लगता है, मगर बेसिक फॉर्म ऑफ फेस इज ओवल, ठीक है, उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। और जो बीचों बीच जो आप फोल्ड कीजिएगा, एक दागी मिलेगा आपको, उसी दागी में सीधा सीधी नाक को प्लेस कीजिएगा, नोज उसको सीधा सीधी उसमें प्लेस कीजिएगा। और लिप्स जो है, लिप्स का बीचों बीच का हिस्सा वो सीधा लाइन के बीचों बीच ही पड़ता है, ठीक है। इतना अगर फॉलो करके आप एक फेस को बनाइएगा, हाँ आपको शायद खुद को भी लग रहा होगा कि थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है एक साइड में, तो वो नहीं लगेगा, ठीक है जी। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बहुत हाँ सरलता से इसको हम लोग ये कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, वो मैंने बताने का मैं सोची के बता दूं ताकि ये और रिच हो। लेकिन आपका काम हमको बहुत पसंद आया, ये मैं कह देती हूँ, ठीक है, थैंक यू। आप आगे चल के थोड़ा सा एक काम और कीजिएगा, आप तो दूसरा टाइप का ड्रॉइंग भी करती होंगी ना? यस मैम। हेलो, यस मैम जी। तो आप लोग ना, हम ओके ओके, आप दूसरा कोई भी मीडियम से, जैसे पेस्टल हो, वाटर कलर, जो भी आपको पसंद हो, कल के लिए मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा हो सके तो आज रात तक आप अगर भेजिएगा, थोड़ा सा कोई लैंडस्केप, मतलब सीनरी वगैरह, हिलस्केप या सिटीस्केप, कुछ भी आपको लगे जो पसंद हो, वो थोड़ा सा कल के लिए बनाइए, तो आपका एक वर्क भी बन जाएगा। और उसी साइज में जो झासर ने पुट किया है आपके ग्रुप में, तो उसी साइज में बनाइए, तो और एक आपका वर्क बन जाएगा, उसके ऊपर कल मैं थोड़ा सा और टिप्पणी दे सकूं, क्योंकि कोलाज लगभग आप लोग समझ गए हैं, मतलब जो जो काम आया मुझे लगा बहुत अच्छा से आप लोग इसको कर रहे हैं, तो थोड़ा दूसरा काम भी हम थोड़ा सा दिखा दें ताकि कॉपी आपका एनरिच हो जाए, ठीक है? ठीक है मैम, ओके चलिए, ओके ठीक है। जा सर इनको ये कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अच्छा ये आइए, ये किनका है? ये है ज्योति सिंह का, ज्योति ने हाथ उठाया है, ये जिनका है जी, ज्योति जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ ज्योति, आप अनम्यूट हैं। ज्योति जी, अच्छा आपका ये काम मैंने देखा कल, आप दे दी थी दोबारा जो ये करके। अच्छा मैं पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जो मंडला आर्ट के बारे में आप बता रही थी, हाँ इसको कभी भी आप कहीं बोलिएगा तो इसको मंडला स्टाइल, मतलब पर आधारित चित्रकला कहिएगा, ठीक है। असल में क्या है, मंडला संस्कृत में जो है वो संस्कृत शब्द ही है, वो है मैंने सर्कल, ठीक है। मंडला बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से ही लिया गया है कि हम लोग का जीवन जो है वो अंतहीन है, आत्मा अमर है, उसी कॉन्सेप्ट से आप ध्यान दीजिएगा, ये मंडला का जो क्या बोलूं मैं, प्रयोग होता है जो हिंदू धर्म मतावलंबी जो लोग हैं और बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, माने मंडला का प्रयोग उन लोगों का पूजा वगैरह में होता है। फिर उसको क्या किया जाता है, पहले तो वो चक्र जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मंडला क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको डेकोरेट करना, और ये डेकोरेट करने के लिए आपको, अगर इसका कोई मेथड ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऑब्वियस ये होते हैं, मतलब फॉर्म्स होते हैं जिसको लोग प्रयोग करते ही हैं उसके अंदर, और उसी को धीरे 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 भरते चले जाते हैं, और ये बहुत ही एक बारीक और बहुत एनरिच्ड एक आर्ट फॉर्म बनते चला जाता है। तो मंडला आर्ट का बेसिक, मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है कि उसको गोल होना है, समझ गए? तो इट इज, हाँ माने ये आधारित है, मंडला आर्ट पर आधारित चित्रकला है, क्योंकि ये अंदर भरने का जो टेक्निक है ना उसको वहीं से लिया गया है, ठीक है। जब आप फॉर्म को यूज कर रही हैं तब इसको वही कहिएगा, मंडला पर आधारित। इसलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ क्योंकि दिमाग में मेरा और एक चीज भी आया,
कल मैं उसको बोलने वाली थी मगर थोड़ा सा समय मेरा ये नहीं हुआ था, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो हम आज बोल सकते हैं उसको। जैसे हमारे बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फोक फॉर्म है, पटचित्र कहते हैं, शायद आप लोग नाम सुने होंगे। ये पटचित्र क्या होता था, ये स्क्रोल पेंटिंग होता था, ठीक है। जैसे पहले जमाने में तो टीवी और ये सब सिनेमा वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लोग मनोरंजन के लिए स्क्रोल को यूज करते थे। ये एक अजीब स्ट्रक्चर में आता था, जैसे उसको रोल किया हुआ रहता था, और जो लोग पटचित्र को दिखाते थे वो लोग उस रोल को धीरे धीरे खोलते थे और गाना के जरिए एक नरेशन देते चलते थे एक कहानी का, ठीक है। तो उस तरह वो पटचित्र को वो लोग पूरा खोलते थे और जैसे जैसे इधर से खोले उधर से मोड़ते चले जाते थे। तो आपके सामने ठीक एक सिनेमा टाइप का कहानी मतलब सामने आ जाता था। जैसे पहले जमाने में एनिमेशन बनता था ना, स्केच कर करके ड्राइंग कर करके, उसी तरह वो लोग करते थे। तो बात वो नहीं है, वो पटचित्र का जो स्टाइल था बनाने का, आप जामिनी रॉय का अगर नाम सुने होंगे, काफी नामचीन एक हस्ती इंडियन आर्ट के हैं, तो थे मतलब इंडियन मास्टर्स में आते हैं वो, तो वो वेस्टर्न प्रशिक्षण पूरा लिए हुए थे ड्राइंग एंड पेंटिंग में। मतलब उनका जो ऑयल पेंटिंग और पेस्टल वर्क आप देखिएगा तो मतलब बहुत अवाक हो जाइएगा एकदम देख करके, मतलब इतना सुंदर वो बनाते थे वेस्टर्न स्टाइल में। परंतु वो क्या किए, जब इंडिया में वो जो थोड़ा क्राइसिस के बारे में कल मैं बता रही थी कि वेस्टर्न पीरियड में मतलब जैसे इंग्लैंड के लोग जब आके अंग्रेज लोग यहाँ बसे हुए थे, तो थोड़ा सा इंडियन आर्ट को वो लोग प्रायोरिटी कम देने लगे थे, और उस समय जो रिवाइवलिज्म का जो दौर चला था उसमें जामिनी रॉय क्या किए, पूरा पूरी अपना वो स्टाइल को त्याग दिए और ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का पटचित्र के अनुसरण करते हुए वो अपना एक अनोखा स्टाइल बनाए। आप लोग अगर ये कीजिएगा, जामिनी रॉय जे से लिखते थे वो, जे एम आई एन आई जामिनी रॉय, तो वो आप लोग नेट में सर्च करके देख सकते हैं किस तरह उनका फ्लैट फ्लैट एकदम ड्राइंग करके उसमें बड़ा बड़ा आंख जैसे आउटलाइन से निकला हुआ आंख और इस तरह का गणेश जननी वगैरह बहुत कुछ वो बनाते थे पटचित्र स्टाइल में, ठीक है। तो जामिनी रॉय इज नोन एज पटचित्रकार इन हिज ओन स्टाइल, ठीक है। मतलब वो अपना एक अलग स्टाइल बनाए और उसी से वो पटचित्र ही बनाए। तो आप जो चीज इसको बना रही हैं, जो मंडला का ये जो आपके लिए खास मैं ये उदाहरण को दे रही थी कि आप अगर इस पर रुचि रखती हैं, इसमें अच्छा लगता है आपको करने में, जरूर कीजिए। और आप ना जिस चीज को डेकोरेट कीजिए उसको कहीं से देख करके लाना बंद कर दीजिए एकदम से। आपके अंदर जो स्किल है ना, वो हमको लगता है जहां से आप देख रही हैं उससे कई ज्यादा आगे का स्किल है। आप अपने आप को बांधिए मत, बहुत अच्छा आपका मतलब हम देखे लाइंस वगैरह काफी कॉन्फिडेंट है। आप अपना फॉर्म ले लीजिए, कोई भी फॉर्म को आप वो मंडला का वो जो स्टाइल है उससे आप कीजिए, आपको खुद को भी बहुत आनंद आएगा। कहीं से आप देख करके कुछ भी करते हैं तो आपको क्या लगेगा वैसा बना के नहीं, आपके अंदर वो चला जाएगा कि वैसा बना के, असल में आपको वैसा कुछ नहीं बनाना, आपको एक नया चीज बनाना है अपने तरीके से, ठीक है। इस पर अमल कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ बोलिए मैम, ये फर्स्ट टाइम जी बोलिए। वन मंथ पहले मेरी एक जूनियर थी, उसका उस वो फेसबुक पे एक फोटो डाली थी ये मंडाला आर्ट का, तो मैंने देखा तो पूछा कि मतलब इस आर्ट को क्या बोलते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो बोली कि इसको मंडाला आर्ट बोलते हैं, आप देखिए मतलब यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा। मैम जो आपको इससे पहले जो मैंने जी, वो गर्ल हैट पहनी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए थे, वो मेरा पहला आर्ट था, और विद इन थ्री डेज मैम ये तीनों आर्ट हम बनाए। वेरी गुड, हम तो आपको बोले कि आप काफी अच्छा मतलब आप स्किल्ड हैं और इसको मैम आपकी आवाज और आप डेवलप इसी तरह कर सकती हैं, मतलब ये मेरा सिर्फ सलाह है,
आप इसको लेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो इसीलिए मैं आपको बोली कि आप अपने तरीके से ना डिस्टर्ब। हेलो, माइक आ रहा है? हेलो सर, आवाज थोड़ी सी झिलमिला करके आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। अच्छा, आपका भी वैसे ही आ रहा है नेट का। एग्जैक्टली बहुत आपका भी आवाज ना लग रहा है कहीं और दूर से आ रहा है। हाँ जी 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 जी, असल में बादल जो मंडरा रहा है ऊपर उसी का असर है हमको लगता है। अच्छा, तो बात वही है कि आप काफी स्किल्ड हैं, हाँ, तो आप इसको और डेवलप कर सकती हैं, खुद का आइडिया को इसके अंदर और डालिए, और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका, हमको हम देखे आप इतना नीटनेस है आपके काम में, काफी अच्छा है। इसको आप डेवलप कीजिए और खुद का नया नया फॉर्म को आप इस तरह डेकोरेट करके देखिए, आपको खुद को भी बहुत आनंद आएगा, और हो ना हो कि आप एक अलग आइडेंटिटी बना पाइएगा इसमें, मतलब एक एमेचर इसमें ही आप जो स्किल का परिचय दे रही हैं काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कल के लिए जो हमने टास्क इनको बोला ये सबके लिए है, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। कल के लिए आप लोग जो जो भी में आए, मतलब कोई भी मीडियम हो, कोई भी आप लोगों को ये लगे अलग अलग कोई मीडियम में आपकी जी, लॉकडाउन है तो अभी जैसे लॉकडाउन है तो बाहर तो नहीं निकल सकते है? तो घर पे जो चीजें पेंसिल और पेन से ही जो चीज मतलब स्केच कर सकते हैं, तो क्या स्केचिंग वगैरह सेंड कर सकते हैं? तो पेंसिल जरूर मतलब जरूर जरूर जरूर। देखिए, हम आप लोग तो प्योर फाइन आर्ट के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी ये कहानी मतलब हम लोगों को सुनाया गया था मोटिवेट करने के लिए, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे कॉलेज में, आर्ट कॉलेज में, कि एक आर्टिस्ट ऐसा चीज है मतलब जिसके अंदर सृजनशीलता है और वो थ्रू फाइन आर्ट उसको निकलना चाहता है, तो उसके पास अगर कोई कलर कुछ ना हो तो ईटा का टुकड़ा से भी वो ड्रॉइंग बना डाले। तो आपके हाथ में अभी जो है उसी से आप क्रिएट कीजिए। देखिए, ये ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन तो जिंदगी में पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं, एपिडेमिक हम लोग जरूर देखे हैं, पैंडेमिक का तो विटनेस रहे हम लोग, ये पहली बार, तो इसीलिए इस सिचुएशन में हम लोग समझ सकते हैं आपको। अच्छा, और एक चीज ध्यान आया, देखिए बात करते करते कितना अच्छा चीज एक ध्यान में आया, कल आप लोग इसको बना के लाइए, और कल का कौन सा डेट हो रहा है, 10 तारीख नहीं 11 तारीख हो रहा है ना? हेलो, हाँ, तो हाँ, कल आप लोगों को मैं कोशिश करूंगी कि घर में जो दाल चावल धान ये सब हम लोगों को मिलता है उससे आप लोग ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूंगी, मैं अगर आज बना पाई, अदरवाइज मैं कुछ फोटोज आपको दिखाने का कोशिश करूंगी, अगर मैं खुद बना ली तो मैं उसको भी डालूंगी स्लाइड में। ठीक है, वो एक आइडिया आप लोगों को मैं दे दूंगी जिससे आप लोग क्राफ्ट में कुछ कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और आप लोग ये जो बोली ना कि मटेरियल की कमी, तो मटेरियल घर में अगर रसोई में हल्दी पाउडर है और आपका घर में ये है आपका दाल का दाना, सरसों का दाना, ये सब है, तो उससे भी आप काफी अच्छा जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटीरियल कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी मेटीरियल से बनाइए और अपने मन से कोई ड्राइंग बना के लाइए। एकदम थोड़ा सा आप लोग सबको ही ध्यान दीजिएगा कि इन दिनों जो डिस्कशन हमारे बीच में हुआ उसमें से कॉम्पोजिशनल सेंस का जितना कुछ आप लोग पकड़ पाए उसको थोड़ा सा उसमें डाल करके करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होगा कुछ होगा वो तो हम हैं ही। ठीक है, चलिए, आपके बारे में हो गया मेरा, अगला स्लाइड में हम चलते हैं। ये किन का है? थैंक यू बेटा। हाँ, ये किन का है? ये सब देखिए तो किन का है? हेलो हेलो, ये लगता है पूजा कुमारी का है। पूजा, हाँ जी, पूजा, पूजा नाम है वो क्लास में, क्लास में
नहीं है, अनम्यूट हो गई है। ओके ओके चलिए। हेलो, असल में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आज। हेलो बोलिए। हाँ पूजा। यस मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा आपके बारे में मैं जी जी गुड मॉर्निंग। ये जो आप लोगों को मैं जो रास्ता में चलने वाला फिगर जो बनाने दी थी, शायद आप उसी के तहत इसको बनाई थी ना? यस मैम। हाँ थोड़ा बहुत कुछ जी 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 जी। इसमें आप खुद भी समझ सक रही है कि पूरा का पूरा फिगर बने जैसे लग रहा है, अब गिर जाएगा ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है? लग रहा है असल में। हाँ ये जो चीज है यही वो भूलंब में समझाने के लिए मैं बनाने के लिए बोली थी, क्योंकि देखिए जब तक ना हम लोग बनाने का कोशिश नहीं करते हैं तब तक क्या नहीं आता है वो समझ में ही नहीं आता है, समझे ना। तो देखिए आप जो बनाई है वो चीज एकदम समझ में आ रहा है कि एकदम स्टेडीली एक बच्ची जो है वो जा रही है रास्ते से, लेकिन आपका रास्ता जो है आप जो तिरछा लाइन खींची है तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड लाइन आपका है, और फिर फिगर को आप वर्टिकल नहीं कर पाई। आपका वर्टिकल लाइन का गाइड लाइन कहाँ पर है जानती हैं? जो पेपर आपने लिया हुआ है उसका एकदम किनारे का जो लाइन है, मतलब पेपर जहां एंड हुआ है उसको आप स्ट्रेट लाइन मान करके उसी के अनुसार हम नहीं, मैंने कभी भी किसी को नहीं बोलते हैं कि स्केल का आप यूज करें, यहां भी नहीं मैं बोल रही हूं, लेकिन स्केल हो या पेंसिल हो कोई एक चीज को उस पेपर के किनारे के सीधे आप पकड़िए, ठीक है, एक सीधा करके पेंसिल को पकड़िए, फिर उसको आप सीधा जहां पर आप फिगर को ड्रॉ करने जा रही हैं वहां पर उसी तरह एक समान अंतराल में उसको सीधा लेते आइए उस जगह पर, ठीक है, और फिर आप देखिए कैसा वो स्ट्रेट लाइन होता है। वहां पर एक हल्का सा आप लाइन कीजिए, इतना हल्का ताकि वो खाली आप ही को दिखे, ठीक है, और फिर उस लाइन पर आधारित उस फिगर को आप बनाइए तो आपका फिगर स्ट्रेट बनेगा। एक आध बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसके बाद देखिएगा आपका हेलो ओके मैम ओके। अच्छा अच्छा असल में झासर का आवाज आ रहा है, मैसेज ही कुछ हो बोल रहे हैं, तो ऐसे आप उस तरह कीजिएगा तो देखते देखते देखिएगा एक आंखों में ऐसा स्केल खुद बन ही जाता है, मतलब ये तो एक होता नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उस टाइप का एक बात हो जाता है कि आप अगर एक दो बार तीन बार इस तरह करते रहिएगा फिर उसके बाद आप देखिएगा एक फिगर को सीधा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसी तरह आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अच्छा सुनिए, और एक चीज कल के लिए आप एक काम कीजिए, इसी फिगर को जिस तरह हमने कहा उसको उसी तरह आप ड्रॉ करके इसको एक कॉम्पोजिशन बना लीजिए, ठीक है, और घर में जो भी कलर आपका अवेलेबल हो उससे आप इसको कलर कीजिए, कोलाज करने का भी जरूरत नहीं है, कोलाज काफी आप लोग कर चुकी हैं, हाँ थोड़ा सा कलर एप्लीकेशन भी मैं देख लूं तो आगे का मैं कुछ और बता पाऊंगी, ठीक है, ओके चलिए थैंक यू। अच्छा और कौन स्लाइड है मेरे पास, रुकिए एक बार मैं बैक करती हूँ। हाँ ये किन का काम है? हेलो हाथ रेज कीजिए, किनका काम है? क्या ये उपस्थित है क्लास में? देखिए अभी जो स्क्रीन पे आया है कोलाज, हाँ प्रिया है, प्रिया प्रिया आप अनम्यूट हो गई हैं, आप अपना मैम आप इंटरेक्ट करें। हाँ जी दिया, गुड मॉर्निंग। अच्छा आप थोड़ा सा अपना टॉपिक बताइए, किस पर आधारित आपने बनाया? जी ये मैंने एक पेंटिंग से, हेलो हाँ हाँ आप बोलिए मैं सुन रही हूँ, बोलिए मैम। एक पेंटिंग के थ्रू बस बनाया था इसे। अच्छा अच्छा, मैंने आपको खुद को भी पता नहीं वो पेंटिंग किस लिए बनाया गया था, ऐसा है? नो मैम, ये मैं बता सकती हूँ तो बोलिए, मुझे समझना है इसलिए मैं बोली, बोलिए जी। हेलो आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप चुप ना होइए, आप बोलिए। हेलो प्रिया आप बोलिए, आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। यस मैम, ये मैंने ना जी आप
डेडिकेट होके बस पेंटिंग से बनाया था बस मैंने। हाँ तो वो पेंटिंग जिससे आपने बनाया वो किस पर आधारित है वो पेंटिंग, आपको लगा कि क्या मैं बना रही हूँ, क्या आप समझी है उसको, उस पेंटिंग को? नो मैम। अच्छा हाँ, बस यही मुझे जानना था। चलिए ठीक है, आपका पेंटिंग कल रात को आया भी था, हम शायद व्हाट्सएप में आपको कुछ कुछ लिखे भी हैं, और आज मुझे डिस्कशन करना भी था जी। तो इसमें देखिए कुछ मुझे लग रहा था, ये देख करके मैं इसीलिए आपसे समझना चाहती थी कि एक महाशून्य टाइप का लग रहा है जो ब्लैक स्पेस है, और उसमें जैसे आदमी खुद का ही वर्ल्ड को दूर से देख रहा है, ऐसा कुछ हमको लगा। मतलब इसलिए मैं आपसे जानकारी लेने का कोशिश कर रही थी कि क्या सोच के आपने बनाया। आप एक काम कीजिए, देखिए कोलाज ये जिस तरह आपने बनाया है काफी मैं कहूंगी कि अच्छा बना है, और थोड़ा सा ना आप जो पेपर्स को कट करते हैं उसमें कॉनिकल शेप वाला पेपर को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। जहां पीला पीला जो आपने लगाया वो कॉनिकल है, वो अच्छा लग रहा है, मगर हाँ मगर वो जो वर्ल्ड टाइप का जो अंदर में डार्क ब्लू का है वहां अगर वो शेप्स कॉनिकल ना होके थोड़ा सा उसमें गोलाई रहता, कॉनिकल शेप मतलब जियोमेट्रिक चौकुट चौकुट टाइप का आपने उसमें काटा है ना पेपर को, ब्लू ब्लू yes, पेपर को जी, उसको थोड़ा सा हाँ, उसको थोड़ा सा अगर गोलाई मेंटेन करके आप थोड़ा सा हाथ से उंगली में दबा करके पेपर को अगर फाड़ती है ना तो वो पेपर में एक कॉन्टूर रह जाता है व्हाइट। ठीक है, आप हाथ से कोई पेपर को फाड़िए तो उसमें देखिएगा एक व्हाइट लाइन रह जाता है। ठीक है, उसको भी यूज कीजिए। ठीक है, तो आपको और एनरिच्ड एक चीज मिलेगा। और मैं एक चीज का रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगी कि आप ना खुद कोई कॉम्पोजिशन बनाइए, उससे एक खुद का जो है मनन का एक अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आप जरूर दूसरा पेंटिंग देखिए, उसमें से आइडिया जरूर लीजिए, लेकिन ना उसको समझ करके उसको अगर आप प्रोड्यूस करती हैं तो बहुत रिच एक चीज बनता है, और खुद भी देखिएगा उससे आनंद आपको अधिक मिलेगा। ठीक है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा इस तरह करने का, और मुझे अच्छा लगा आपका काम, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और आपको ये जब इसको काट मैंने कट करके उस साइज में आप ला करके कॉपी में उसको कीजिएगा चिपकाइएगा, तो एकदम कोशिश कीजिए बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से कर पाए, और कोशिश करें कि और एक कोलाज एकदम खुद का सब्जेक्ट को लेकर के आप बनाइए। ओके ओके मैम जी जी जी, चलिए थैंक यू। अच्छा आगे ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सबमिशन ये किनका है? ये किनका है? ये प्रिया ने फिर से हाथ लगाया है सर, क्या उन्हीं का है? असल में नीचे ना नाम है प्रिया, प्रिया हाँ जी प्रिया कुमारी, रोल नंबर 33 जी। ये अगर सेम उन्हीं का है जिनसे मैं बात कर रही थी? जी हाँ जी हाँ जी, तब तो ठीक है, तब इसको मैं ये कर देती हूँ। हाँ ये है अपूर्वा सरकार जी, नीचे दिख रहा है अच्छा से। अच्छा प्रेजेंट है वो? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा आपका कोला तो बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर बना है। अच्छा इसका जो है आपका ना ये जो साइड का आपने जहां पर आपने अपना रोल नंबर वगैरह लिखा है वो अनइवननेस, जानते हैं अनइवननेस जो होता है उसको, वो भी एक ना उसका क्या बोले प्रेजेंटेशन एक खुद में एक आर्ट है। हाँ वो मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा नया नया चीज कोशिश करती हैं, थोड़ा सा रुचि रखती हैं, इसलिए आपको मैं कह रही हूँ जब आप कॉन्टूर को यूज कर रही हैं तो उसको ना
आप एक स्केल लेकर के एकदम जब आपका सब काम बन गया उसके बाद एक स्केल को दबा के एकदम साइड में पकड़िए और फिर उस स्केल के जरिए पेपर को हाथ से फाड़ दीजिए किनारे में। ओके मैम। तो हाँ, तो उसमें देखिएगा एक किनारे में एक ये आएगा फाइबरस माने टेक्सचर उसमें पैदा होगा। अब उसको क्या कीजिए, जैसे झा सर ने जो कॉपी का साइज आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं कॉपी का पेपर जितना बड़ा है उससे थोड़ा सा छोटा अपना ड्राइंग को आप काटिए जरा सा छोटा और वो फाइबरस टेक्सचर जो है मिलेगा आपको उसको रख करके उसको पेस्ट कीजिए। मैं सिर्फ ये काम के लिए आपको मैं कह रही हूँ, ठीक है। किसी नए आप करने का कोशिश अभी मत कीजिए, नया कुछ कीजिएगा उसमें इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। और एक बात मैं बता देती हूँ, मानिए आप चिपका के काम की है तो पेपर के ऊपर एक पेपर चिपक गया तो काफी मोटा हो जाता है पेपर, तो आप उस हालत में क्या कीजिए हल्का सा ब्रश में पानी लेकर के वो जहां से आप उसको फाड़ना चाह रही है वहां पर लगा दीजिए, ठीक है, पतला सा लाइन से वाटर को लगा दीजिए और थोड़ा उसको बैठने दीजिए। उसके बाद स्केल को दबा के पकड़िए और फिर उसके बाद साइड से एक हाथ से उसको हाथी से धीरे 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 फाड़ दीजिए तो वो फाइबरस टेक्सचर निकल जाएगा, ठीक है। और इसको आप जो है उस थोड़ा सा बड़ा वो जो व्हाइट पेपर में चिपकाइए तब इसका खूबसूरती आप खुद देख पाइएगा कि ये जो अनइवननेस ऑफ कंटूर वो क्या रंग लाता है एक पेंटिंग में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप उसको ट्राई कीजिए, आपको इसलिए सांस लेके मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें रुचि आप रख रही हैं इसलिए, और बाकियों का भी मैं जितना हो सके हम अपने तरफ से बोल चुकी हूँ और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा मुझे। और एक चीज कहूंगी जरूर, कोलाज आप जब कर रही हैं उस समय कैची से या ब्लेड से काटिए कम, हाथ से फाड़िए ज्यादा, उससे यही चीज रहेगा कि वो जो शायद पिछले इसमें भी मैं कह रही थी जिनसे मैं बात कर रही थी शायद प्रिया से, तो उनको भी मैं कह रही थी कि पेपर को हाथ से फाड़ा करे, ठीक है। हाथ से अगर जब पेपर को फाड़ती है तो जो लाइन निकलता है ना सफेद वाला वो पेंटिंग में एक अलग मात्रा जोड़ता है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा यूज कीजिए, देखिएगा और एनरिच्ड होगा। जिन जिन को आज मैं डायरेक्शन दे रही हूँ थोड़ा बहुत, उन्हों जरूर और एक दूसरा करने का कोशिश करें, कोई जरूरी नहीं कि कल तक करके हड़बड़ा के हमें दे, आप लोग बाद में भी करके मतलब बाद में इन द सेंस की 10 दिनों के अंदर ही कीजिए नहीं तो फिर भूल जाइएगा, तो उसको करके और फिर हमको पोस्ट करके दीजिएगा तो हम थोड़ा सा देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से काम करके साथ में काम करके ना बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा होते इतना डेवलप आप लोग कर जाए ये चीज लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, चलिए थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू जी। चलिए ये हो गया, शायद आप ही का काम लास्ट में था, ये तो वो मंडला वाला है, देखती हूँ मैं कोई छूट तो नहीं गया। अच्छा, किसी का काम अगर छूट गया हो हैंड रेस कीजिए, अगर मैं स्लिप कर गई हूँ, एक तो बाद में आया वो तो आया नहीं मेरे पास, मैंने हम लेके नहीं बैठे, कल बैठेंगे उसको लेकर के, देख लीजिए मैं यहां से निकल जाती हूँ। ठीक है, शायद मैं सबका काम लेके डिस्कस कर चुकी हूँ, जो जो मेरे पास आया था, कोई छूटा तो नहीं, देखिए तो सर। अभी दो हाथ रेज हुआ है, मुझे लगता है कि देखिए सर जी, हो सकता है कि इनका नहीं आया हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए मेरा स्लाइड हम रात को 12 बजे बनाए, ठीक है, उससे पहले जितना काम आया था आ गया मेरे स्लाइड में, फिर कल आएगा सब जो जो आज छूटा। खुशबू कुमारी और काजल कुमारी जी बात करते हैं। खुशबू आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ, क्या पूछना है आपको? गुड आफ्टरनून, बोलिए मैम। हम कल रात बोलिए मैम, हम कल रात
आप कल रात क्या सेंड की थी बोलिए तो आई हाँ एक आया था राइट, वो है भी मेरे इसमें, देखिए स्लाइड हमको याद है और हम जब खोज रहे थे तब नहीं मिला, एक मिनट राइट 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 थोड़ा सा आपके घर में डॉगी है एक मिनट ये शायद ये स्क्रीन में आ रहा है जी हाँ दिख रहा है थोड़ा सा हाँ अब आ गया बिल्कुल हाँ हाँ दो फिगर है ना इसमें हाँ हेलो जी जी आ रहा है बिल्कुल साफ आ रहा है ये हाँ जी ये क्या हुआ था ना लास्ट में स्लाइड शायद बन चुका था तब तक ये पहुंचा था लेकिन मुझे आज इसके बारे में बात करना था राइट। अच्छा एक बात बताइए ये आपने तो यहाँ स्केच पेन यूज की हुई है ना हेलो खुशबू ये वाटर कलर से की है खुशबू जी कहाँ है मैम आपका आवाज कट रहा है अच्छा अच्छा सुनिए ना ये वाटर मैम कलर की है ना इसमें हेलो 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 आपकी आवाज आ रही है मैम सुनाई दे रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है अच्छा ठीक है मैम ओके ओके ठीक है हाँ तो आपका ना ये ड्राइंग बहुत ब्राइट हुआ है देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा फोक मोटिफ इसमें है लेकिन ये एकदम अपने तरीके से अपने किया हुआ है ठीक है और सच पूछिए ना फ्लैट फ्लैट आपने काम किया बहुत ही ज्यादा फ्लैट मगर बहुत ही आपको क्या बोलू मैं ऑर्नामेंटल और सुंदर लग रहा है कहीं आप किसी बुक कवर पेज में अगर इस तरह का काम कीजिएगा बहुत अच्छा ये लगेगा तो आप ना इसी चीज को एकदम थोड़ो कोलाज में करने का कोशिश कीजिए ना इसी चीज को हाँ आप इसको जैसे वाटर कलर से करके रखी हुई है तो इसको भी आप डालिएगा जरूर आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें और इसमें जरा सा आप सजावट में चेंज देखिए वो अगर आप ना भी करना चाहें तो कोलाज करने जाइएगा तो वो चेंज हो ही जाएगा ठीक है तो उसको आप ना कोलाज में पूरा करने का कोशिश कीजिए इस हाँ ये थोड़ा सा हमको ना कठपुतली का याद दिलाया पता नहीं क्यों हाँ इसका ब्राइट कलर्स इसका एक्सप्रेशन हमको बहुत अच्छा मतलब लग रहा था ठीक है तो काफी अच्छा अब असल में वही है मेरा स्लाइड तब तक बन चुका था आपका पहुंचा था तो इसीलिए थोड़ा सा छूट गया था थैंक यू अब याद दिला दिए इसलिए ओके इसका कोलाज में जरूर कीजिएगा अरे हो ही सकता है देखिए हम लोग कल जैसे झासर भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये लेके तो नहीं बैठे हुए हैं बहुत सारा काम में हम लोग बिजी भी रहते हैं होता क्या है एक इसी बहाने मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कोई मुझे किसी ने पूछा वो रेगुलर हैबिट में ऑफिस वगैरह जाती थी तो मुझसे उनको मिलना था तो एट दैट टाइम मैं कहीं कुछ करती नहीं थी मतलब जैसे किसी स्कूल में भी नहीं थी प्राइवेट ट्यूशन वगैरह करती थी इसी तरह तो वो मुझे पूछी आप कब फ्री रहते हो तो मैंने बोला कि हम कभी फ्री नहीं रहते तो बोले आपसे फिर मिले कब हम बोले आप समय दीजिए मैं अपने आप को फ्री करके रखूंगी क्योंकि क्या होता है ना आप अगर देखिए कॉलेज जब आप लोग रेगुलर हैबिट में आते थे अब गिन के देखिए उस समय आपको फुर्सत ज्यादा मिलता था क्योंकि एक टाइम बाउंड चीज होता था ना कि इसी समय मुझे कॉलेज जाना है इस समय मुझे वापस आना है अभी क्या है ना स्कैटर्ड हो गया है रूटीन तो इसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है
और मैं टाइम पर भेजने इसलिए बोलती हूँ कि मेरा स्लाइड मैं रात भर में बनाती हूँ इसलिए, और ज्यादा आप छूट जाती तो कल मिलता ये स्लाइड। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने बनाया ये बहुत अच्छा लगा, और अच्छा बनाई वो भी अच्छा लग रहा है, इसको कॉलेज में तब्दील कीजिए। ओके ठीक है, चलिए ओके थैंक यू। काजल कुमारी ने अपना हाथ रेज हाँ। किया हुआ है। काजल, काजल आप अपना सवाल करिए। काजल जी, हेलो जी, हाँ आप अपना सवाल करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए मैम। कल रात में मैं भेजी थी एक एप्पल का सीन था। एकदम आप सही बोली, और वो छूटना तो चाहिए ही नहीं, उसको अलग से हमको डिस्कस करना था। आप अगर आज छूट जाती ना तो मैं दोबारा क्लास कॉल करती। आप एक बात बताइए तो, वो जो आपने बनाया वो कहीं से देख के बनाई है? जी मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं नहीं हम ऐसे ही पूछे क्योंकि वो भी जानना मेरे लिए जरूरी थोड़ा सा है, क्योंकि मुझे लगा कहीं मैं कंपोजिशन देख चुकी हूँ। क्योंकि मैम मुझे कोलाज का मीनिंग समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोलाज आखिर होता क्या है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो हो सकता है। देखिए आइडिया मैं जितना दूं उससे अगर आप क्लियर नहीं हो पाती हैं, फिर उसके बाद फिर कहीं से देखिए पढ़िए जरूर, ये तो अपना स्वतंत्रता होता है, तो इस पर तो होना ही चाहिए। हाँ ये आ गया, देखिए उनका स्लाइड में आखिर में था, उससे पहले आपका था। अच्छा ये कोलाज अपने देखा कहीं से लगा तो मुझे ठीक है, मगर अच्छा आप लोगों को दिख रहा है, आ रहा है स्क्रीन में? हेलो जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भाग्य लग रहा है। आ रहा था, आ रहा। एक मिनट, फिर से मुझे पहुंचना होगा वहां तक। मेरा पता नहीं, मोबाइल थोड़ा सा ना ज्यादा स्मार्ट है, कभी कभी खुद कुछ कुछ करने लगता है। स्मार्टफोन लोगों के पास है, मेरे पास अल्ट्रा स्मार्ट है। एक मिनट मैं पहुंचती हूँ दोबारा। हाँ ये सॉरी, ये कोलाज आया लास्ट में, इसके बाद वो पहुंचा था वो कठपुतली वाला, और आपका उससे पहले पहुंच चुका था मेरे पास। आपको मैं एक चीज कह दूं, आप कहीं से देखी जरूर होंगी, मगर आपका ना काम सच पूछिए काफी मैच्योर्ड लगा मुझे। असल में जानते हैं देख करके भी एग्जीक्यूट कर लेना आसान नहीं होता, ये मैं जरूर कहूंगी। ये जो आपने न्यूज़पेपर को यूज किया है ना आसपास में, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी मैम। हेलो जी मैम, सुनाई दे रहा है? ओके, तो न्यूज़पेपर आपने जो यूज किया है, जी जी, इतना अच्छा इसका टोटल इम्पैक्ट आया है ना, आप शायद माने मैं जितना इसको देख पा रही हूँ, आप पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा सच पूछिए तो। जैसे अपूर्वा को एक सजेशन मैं दे रही थी रिगार्डिंग कॉन्टूर, आपने सुना है वो जो अभी मैं नहीं कह रही थी कि स्केल से आप इस तरह हाथ से अगर पाड़ोगे तो वो थोड़ा सा कॉन्टूर जो है फाइबरस निकल जाएगा, शायद आपने फॉलो किया हो, तो आप भी थोड़ा सा उस तरह का अगर इस्तेमाल करके इसमें देखें तो और इंटरेस्ट लगेगा सच पूछिए तो। ये एप्पल का जो पत्ता में जो आपने लाइन ड्राइंग किया है ना, वो अगर आप नहीं करके ये जो एप्पल में जितना आप वो जो डार्क एरिया बनाने का कोशिश किया हुआ है आपका दूसरा रेड का डार्क टोन से, तो उसी तरह अगर पत्ता में भी थोड़ा सा लाइट एंड शेड को आप क्रिएट करती तो आपका जो मैच्योरिटी पूरा काम में झलक रहा है वो उसमें भी झलकता, वो थोड़ा सा वो मैंने चाइल्डिश लग रहा है, उसको थोड़ा सा आप ना अभी भी कर सकती है, वो तो कोलाज है। आप थोड़ा बहुत दूसरा दूसरा ग्रीन को लेकर के पत्तों का स्ट्रक्चर अगर डायरेक्टली आप बनाने का कोशिश कीजिएगा तो और देखिए अच्छा चीज बनेगा, ठीक है?
और जो आपने मार्जिन जैसे नाम और ये वगैरह लिखने के लिए जो जिसको भी आपने यूज किया है, आप उस मार्जिन को ना जहां पर नाम है उस तरफ का छोड़ करके बाकी जगह वो न्यूज़पेपर से ही थोड़ा सा ना अंदर वाला कॉन्टूर जो है, हाँ, जो कि लग रहा है कट के सामने आ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ढक दीजिएगा। मतलब पूरा का पूरा नहीं ढकिएगा, कहीं कहीं पेपर जैसे उठ करके मार्जिन पर चला गया ऐसा लगना चाहिए, है उसको आप करके देखिए और अच्छा लगेगा। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा बनाया सच पूछिए। कुछ कुछ काम तो इस बार जो मैंने आज का जो स्लाइड्स में मैक्सिमम काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जिन्होंने भी आज शायद हमने वो जो एक लाइन ड्राइंग जो बना के भेजी है वो दूसरा टास्क था, उन्होंने उसको भेजा जो था, तो वो भी अगर उसको कॉलेज में तब्दील करेंगी तो हमको लगता है कि वो भी बहुत एक मैच्योर्ड काम निकलेगा। आपका ये काम बहुत ही सुंदर है, आप इसको जो है वो जो आप प्रेजेंटेशन जो बनाइएगा जैसे श्लोक वगैरह खत्म करके ही जो पेज पहला खुलेगा पेंटिंग वाला उसमें आप इसको रख सकती हैं, बहुत ही मैच्योर्ड काम हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। चलिए हो गया, बैक हो गई। जी चलिए, आज जितना काम तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, पिछले दिन शायद मेरे पास 10 काम था, आज 11 काम है मेरे पास। और हमें लगता है कि आप लोगों का कॉपी में अच्छा खासा मतलब हो जाएगा, जैसे कल तक मैंने एक टास्क और दी है और जिनको जो मर्जी हम बोले बनाइए। और मेरा एक टास्क मेरे लिए है कि मैं उधर थोड़ा सा इससे मतलब धान और ये सबसे जो मैं बोल रही थी उसको मैं अगर एक बना के डिस्प्ले आपका दे सकती हूँ तो वो भी आप लोगों का एक अच्छा खासा मतलब बन जाएगा। क्राफ्ट का भी थोड़ा सा उसमें हम लोग कवर कर पाएंगे, जो कि मैंने क्राफ्ट तो बेसिकली देखिए क्राफ्ट आप लोग खुद से कुछ भी आप लोग बना सकते हैं, हालांकि क्राफ्ट का चीज ना बनाने का एक आदत सा हम लोग का हर घर में लोगों को है, कुछ ना कुछ आप देखिएगा चलो इसको नहीं फेंक के ये वाला बना लेते हैं, ये सब चीजें जो है लोगों के दिमाग में आता ही रहता है। हालांकि बहुत सारा अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत YouTube वगैरह देखने का आदत तो है ही, बहुत सारा आइडिया मिलता वहां से है, मगर मेरा ये प्रार्थना आप लोगों से है कि कहीं से भी कुछ भी देख करके आप उससे आइडिया लीजिए और खुद कुछ इनोवेटिव बनाने का कोशिश कीजिए। असल में एक श्लोक बोला जाता था हम लोगों को कि अनवसर से विषम विद्या, अगर आप अपने सृजनशीलता को थोड़ा सा हवा नहीं दीजिएगा तो वो धीरे 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 जो है बैठ जाता है, काम नहीं करता। तो सृजनशीलता को हमेशा जगा के रखिए और खुद जो है कहीं से भी आइडियाज लीजिए, मगर खुद से कीजिए काम और उसमें नया नया चीज जोड़ने का जरूर कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से ये है। अब देखिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन है और कुछ बनाना है मीडियम के बारे में पूछना है कुछ भी तो थोड़ा सा कर सकते हैं, देख लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप हाथ रेज करिए। सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अपना जो वर्क है जरूर मैडम से शेयर करिए, जरूर मैडम से शेयर करिए। फिर से काजल कुमारी ने हाथ उठाया है, काजल अपना सवाल पूछिए। मैम जी, मैम मुझे पूछना है कि मेरे जैसे मुझे एक आइडिया आया है नेस्ट बनाना है जी, घोंसला। क्या बनाना है? घोंसला, अच्छा अच्छा। तो घोंसला को हम क्या चीज से बना सकते हैं? मेरे को वो चीज मिल नहीं रहा है सामान, मतलब सूखा हुआ। अच्छा, मुझे तो आपका आपका घर का मुझे स्ट्रक्चर पता नहीं, आजू बाजू में अगर आपको ये मिल जाए खटल वगैरह है आजू बाजू में? हाँ, खटल, खटल जहाँ गाय भैंस पालते हैं लोग। हाँ, हाँ जी मैम, उस तरह का जगह आसपास है ना, तो वहां से थोड़ा सा स्ट्रॉ मांग के लाइए, वो जो खिलाते हैं वो लोग गाय भैंस को, ठीक है उसको आप ले आइए।
और उसको जो है थोड़ा सा घर में अगर क्लोव्स ऑयल वगैरह हो या तो हल्दी का पानी थोड़ा सा करके उसको थोड़ा सा भीगो के फिर सुखा लीजिए, क्योंकि हम इसलिए बोले क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होने का एक डर रहता है उससे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज है ना, तो उसमें अगर हम लोग कर देते या तो मैंने वो लौंग का तेल जो है वो थोड़ा सा आप डाल देंगी तो उसमें कीड़ा लगने का डर कम रहता है, और नहीं होगा तो घर में नहीं होगा तो आप हल्दी थोड़ा सा उसमें डाल करके पानी में थोड़ा देर में करिए रख दीजिए, उसके बाद उसको सुखा लीजिए फैन में ये करके या तो धूप दिखा लीजिएगा, एक दिन टाइम लगेगा लेकिन उसको दिखा लीजिए, फिर उसके बाद आप तो लगाइएगा फेविकॉल से ही लगाइएगा, ऐसे चिपकाने वाला गम जो है उससे जल्दी कीड़ा पकड़ता है, फेविकॉल में वो चीज नहीं होता तो वो ज्यादा देर तक रह जाएगा, तो उसको आप उसको थोड़ा थोड़ा हाथ से ये करके उसका फाइबर्स को निकाल करके वो नेस्ट के लिए आप यूज कर सकती हैं, फिर सूखे पत्तों को यूज कर सकती हैं जो थोड़ा फाइबरस हो, फाइबरस नहीं होने से वो चूर चूर हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन फाइबरस कोई चीज को अगर आप फेविकॉल से रखिएगा तो कुछ दिनों तक वो रह जाता है, या आप यूज कर सकती है धागो को यूज कर सकती है, जैसे वो जो सिफोन का धागा होता है उसमें से डॉली और वो जो एंकर धागा आता है ना वो थोड़ा मैट होता है, वो आपका ज्यादा ग्लॉसी नहीं होता, तो थोड़ा सा मैट चाहिए क्योंकि वो लोग का घोंसला तो टूटा उटा से लोग बनाता है तो जाहिर सी बात है वो ग्लॉसी नहीं होता, तो उस तरह का चीजों से भी आप घोंसला बना सकती है, ठीक है, धागों को तो यूज कर ही सकती है वो तो बहुत ही। थैंक यू मैम। ओके फिर से सिमनी ने हाथ पाया, सिमनी आप अपना सवाल करिए। हेलो मैम जी बोलिए। शिवमणि बोल रहे थे कल का क्या होमवर्क दिए? कल का होम दिए कि आप लोग अपना रुचि के अनुसार घर में कोई भी मीडियम हो तो उससे कोई भी ड्राइंग को बनाइए अपने आइडिया से, टोटली अपने आइडिया से जैसा बने, ठीक है? उसमें कलर कलर तो यूज कर सकते हैं ना, मतलब सब तरीका जो भी आपके घर में है। हाँ देखिए आपके पास अगर कोई कोई घर में ऐसा भी हो जाता है कि पेस्टल आधा खो गया, कोई कोई पेंसिल मिल ही नहीं रहा है, तो आप सबको लेके बैठिए, आप मिक्स मीडिया से भी काम कर सकती हैं, ठीक है? हर मीडियम को आप थोड़ा सा जैसे वाटर कलर से आप थोड़ा सा बना लिए, फिर उसके बाद पेस्टल से उसका फिनिशिंग किए, फिर थोड़ा सा स्केच पेन उसमें डाल दिए, आप कोई भी मीडियम लीजिए, क्या देखिए लॉकडाउन पीरियड में कोई एक आप में से ही कोई हमें बताया ना कि मीडियम अभी खरीदने कैसे जाएंगे, ठीक है? नहीं है तो कुछ भी हो घर पर उससे आप बनाइए। अच्छा उसमें कलर्स मतलब यूज कर सकते हैं ना बीच बीच में कहीं? क्या कौन सा पेपर का कटिंग होती है कलर्स भी यूज कर सकती हैं, क्यों नहीं? देखिए जो भी मीडियम से कोई चीज आप बनाइएगा जो कि दिखे और स्पष्ट हो, सब मीडियम यूज कीजिए एक में, हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग आइडिया कितना कर पाते हैं, जो जो हम दो तीन दिन से बोल रहे हैं आप लोगों को उसमें से जो भी आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी जागा हो उसको डिपिक्ट कीजिए कल, और कल मैं कुछ बना के बैठती हूँ देखती हूँ मैं बना पाती हूँ कि नहीं, समय निकाल तो नहीं दे पाएंगे, मतलब शाम तक हम दे सकते हैं, आप दीजिए ना समय करके। देखिए मेरा वही है कि रात को 10-12 बजे तक हम स्लाइड जरूर बनाते हैं, अब उसमें अगर छूट गया तो फिर व्हाट्सएप से डायरेक्ट मैं शेयर करूंगी, असल में मैं वो कह रही थी मेरा स्मार्टफोन थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है तो थोड़ा सा हमको लाने में स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है, वैसा होगा तो मैं डायरेक्ट उसमें से ले आऊंगी, क्योंकि अभी तो हम लोग के पास अभी 2 दिन और है शायद, आज 10 तारीख हो गया 11-12, हाँ 2 दिन और है तो कल तक तो हम लोग इस तरह कर ही सकते हैं, लास्ट डे जो है उससे पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि टाइम मेंटेन कीजिए, उससे पहले आप लोग जो जैसे हो सके हमको खाली भेजिए करके, और उसके बाद तो समय ही समय है, आप लोग तो भेजते रहिएगा मुझे, ठीक है? खुले दिमाग से खुले मन से काम कीजिए, और खराब हो तो जरूर दिखाइए, अच्छा भले फले ही ना दिखाइए मगर खराब होने से जरूर दिखाइए, ठीक है? चलिए और कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और कोई पार्टिसिपेंट? Anybody else? इन्हीं का कोई सवाल हो
जैसा कि मैंने आप सभी लोग मैडम ने बताया कि कल का जो होमवर्क आपको दिया गया है सेल्फ क्रिएशन होना चाहिए। आप खुद सोचें, आपका माइंड क्रिएट करें, आपकी अपनी हो, नेचुरल हो, आपकी अपनी उसमें सोच हो, अपना रंग हो, अपनी अपने विचार हो, अपने हर प्रकार के जो भी आप थिंकिंग करती हैं या करते हैं वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचिए और कुछ बना करके मैडम को सबमिट करिए। कल मैडम उस पर फिर से चर्चा करेंगी बारी बारी से। और लगता है मैम कोई सवाल तो है नहीं आज। चलिए चलिए ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि कल सबका जो काम मिलेगा फिर उस पर हम लोग अमल करके डिस्कशन करेंगे। और कल मेरा ये रहेगा टारगेट रहेगा कि थोड़ा सा वो मैं आइडिया में रखी हुई थी जब आप लोग का सिलेबस मैं गो थ्रू कर रही थी कि वो जो सीरियल ये से दाने से और ये सब से थोड़ा सा कुछ बनाना वो आप लोग भी करते हैं मगर हम लोग शांति निकेतन में हमको याद है जैसे कला भवन का एक नंदन मेला करके स्टूडेंट्स एक फंड रेज करने के लिए एक मेला हुआ करता था नंदलाल बोस के जन्म तिथि पर वो ये किया जाता था मेला तो उसमें हम लोग इसको बनाते थे उसका गहना वगैरह आप लोग शायद जानते हैं या नहीं भी शांति निकेतन का दो चीजें बहुत फेमस है। एक है फूलों का गहना जो लोग सजते हैं वहां दुल्हन भी सजाया जाता है तो उस रीजन में आजू बाजू में तो फूलों का गहनों का डिमांड बहुत है मतलब उसी से बाली बनाना गले का और ये सब मांग टीका वगैरह। तो जब होता है क्या मानी ऐसा ऐसा सीजन में शादी हो रहा है जब फूलों की कमी है तो उस समय वो इस तरह का कुछ धान हो सरसों हो दाल हो ये सब से भी बहुत कलरफुल गहना बनता है उससे भी सजाया जाता है कभी कभी दुल्हन को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बाली कम से कम एक दो बना के तो आइडिया आप लोग आगे का बना लीजिएगा फिर फुल सेट उस गहने का आप बना सकते हैं। असल में क्या है ना हम लोग के ये रीजन वाइज थोड़ा सा डिपेंड करता है आप बंगाल का ये शांति निकेतन और ये सब जगह पर चले जाइएगा तो वहां जैसे सोने चांदी का गहना लोग पहनते ही नहीं है ये सब क्रिएटिव टेराकोटा का गहना हो गया फिर मैक्रम जैसे धागों से बना हुआ गहना हो गया ये सब का डिमांड वहां बहुत है। तो थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगी कि आप लोगों के भी रुचि में ये इंक्लूडेड हो और अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। मैं कोशिश करती हूँ कल अगर इसको मैं दिखा पाती हूँ तो ठीक है। चलिए फिर आज तो ठीक जी बोलिए। एक हाथ अभी फिर उठा है ज्योति सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी जी आप सवाल। हेलो हाँ बोलिए मैम आप जो गहनों की बात कर रही हैं जो फ्लावर्स से बनता है या फिर धान में मैम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हम सीखने में मतलब अगर ये क्लासेस खत्म भी हो जाती है तो फिर भी हम ये चीजें आपसे सीखना चाहते हैं मैम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन चीजों में। अच्छा ठीक है आप अच्छा अच्छा सुनिए ना आप एक काम कीजिए आप व्हाट्सएप में हमसे डिस्कस कीजिए ठीक है किस तरह आप सीख सकिएगा आप व्हाट्सएप में डिस्कस कर लीजिए हमसे व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही ठीक है। यस मैम तो उसमें आपका परिचय दे दीजिएगा कि इसमें इंटरेस्टेड आप है करके फिर हम लोग बात कर लेते हैं ठीक है वो समय करके हम थोड़ा सा आपको जैसे कल तो हम कुछ कुछ दिखाएंगे ही फिर जो इंटरेस्ट लेते हैं जिस चीज में उसमें बात करना भी अच्छा लगता है जरूर। ठीक तो अब कुछ बताना है मैम या क्लासेस ज्वाइन किया जाए नहीं सर आज भर बस आज हम सोचे ही थे कि प्लेट्स में डिस्कशन करें और बच्चों का जो प्रॉब्लम हो उस पर हम लोग अमल करें तो हालांकि ठीक है मेरा जो कहना था आज तो हो गया तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं अटेंडेंस वगैरह लेकर के आप क्लोज कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बस सभी लोग बने रहिए अटेंडेंस लिंक जो है अभी जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपसे सभी लोग बने रहिए हटेंगे नहीं सब शेयर किया जा रहा है अटेंडेंस लिंक शेयर किया जा रहा है समय से सब लोग जुड़िए देख रहे हैं कि अटेंडेंस का क्या हालत है और क्लास का जो रिवीजन है वो आप चाहें तो आप यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं मैंने लिंक प्रत्येक दिन की क्लास का सेंड कर दिया है सब लोग देख सकते हैं।
ये रहा अटेंडेंस लिंक, आप चैट बॉक्स में देख लीजिए सभी पार्टिसिपेंट और बारी बारी से अपना अटेंडेंस फिल कर लीजिए। ये आपका अटेंडेंस लिंक है शो कर रहा है, आप चैट बॉक्स में देख लीजिए और अपना अपना अटेंडेंस जो है आप बना लीजिए। एक चीज मैं यहाँ सभी लोगों को बता दूं कि एक चीज डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, क्या हम इस वर्कशॉप का 6 दिन के वर्कशॉप का सर्टिफिकेट जो है वो हम शामिल जो प्रतिभागी हैं उनको दिया जा सकता है या नहीं, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। जैसे ही हमको उधर से कुछ सिग्नल मिलेगा तो मैं आप सभी लोगों को कन्वे कर दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिलेगा ही मिलेगा। और ये 6 दिन के जो वर्कशॉप है फाइन और आर्ट्स इन एजुकेशन पर आधारित, इससे संबंधित आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल तक ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा कि कम से कम इस 6 दिन का एक यादगार जो हमारा सर्टिफिकेट है, जब भी आप सर्टिफिकेट को देखेंगे प्रतिभागी तो उनको याद आएगा कि हमने विनीता मैम के निर्देशन में 6 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और कहीं भी आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं, ये आपके बीएड करिकुलम का एक अपना सर्टिफिकेट होगा। चलिए हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। कोई सवाल तो नहीं है अभी, कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, कोई ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई सवाल हो लास्ट में? हाथ नहीं है, इसका मतलब ये समझ रहे हैं कि अब शायद किसी को कुछ पूछना नहीं है। तो चलिए हम लोग आज के क्लासेस को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः हम लोग फिर अपने समय से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।